अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, मेरी कुछ वीडियोस पे आपने जो मुझे प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। इंशाल्लाह मैं आपको इस चीज़ में लेट डाउन नहीं होने दूंगा मेरी वीडियोस के वाले से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली ऐसे पोर्टल पे है जो कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लोगों ने बनाई है, जिसमें बहुत सी लोगों की परेशानियों को हल कर दिया हुआ। लाइक बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचपन से पेंटर बनना चाहते हैं, जो फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन वो किसी भी वजह से नहीं बन सके। तो एक ऐसी पोर्टल आ चुका हुआ है हमारे पास, जिससे हम लोग जस्ट इमेजिन करेंगे, अपने वर्ड्स इंसर्ट करेंगे उस वेबसाइट में और उसका एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। मिड जर्नी नाम का, midjourney.com के नाम से है। इसमें आप लोगों ने सिंपल अपने वर्ड्स करने हैं। सपोज मैंने फ्लैग बनाना है, पाकिस्तान डालना है, अगर मैं सारी चीज़ें डालता हूँ उसमें एक इमेज बन जाएगा, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में अभी वीडियो स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ। तो कैसे हम लोग अपने आइडियाज़ को, अपने आइडियाज़ के ख्यालात को हम लोग अपने एक वीडियो में या आप इमेज में या आप पेंटिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट है, जो कि आने वाले वक्त में बहुत ही रेवोल्यूशनाइज हो रही है और हो जाएगी। मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ये कंफर्म कह सकता हूँ, ये आने वाले वक्त का यूट्यूब है, उसके आने वाले वक्त का फेसबुक है, आने वाले वक्त का व्हाट्सएप है, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया इन तीन प्रोडक्ट्स ने, और चौथी प्रोडक्ट ये होगी। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि आप एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक बच्चे के तौर पर लें। ये वो बेबी है जिसको कुछ भी नहीं पता, आपने उसके अंदर जो इंसर्ट करना है उसने वो चीज़ बना के आपको देनी। लाइक एज आप कहते हैं कि आपको ग्रीनरी चाहिए, आपको हेवन का एक बैकग्राउंड चाहिए, आपको ब्रेन चाहिए, बच्चे चाहिए विद पेरेंट्स, ये सब चीज़ें आप कंबाइन करके एक फ़ोटो में डाल के दे दें। ये क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा वर्ड्स को प्रोसेस कर उसके ब्रेन में लेके जाएगा, अपने उसमें देखेगा इंटेलिजेंस के थ्रू सारे प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करके मिक्स करके एक इमेज क्रिएट कर देगा। इसमें ये है कि एक इमेज क्रिएट नहीं करता, ये चार इमेजेस क्रिएट कर देता। उसके बाद ये कहता है कि अगर आपने इन चारों में से कोई एक पसंद आ गया आप उसमें क्लिक करें, आगे उसके आपको चार वेरिएशंस और दे देता। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है, इस चीज़ को मत सोचिएगा कि ये अभी कुछ भी नहीं, आने वाले वक्त का बहुत हैवी सीन है इसमें इन शॉर्ट। तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह लेकर चलता हूँ स्क्रीन की तरफ, तो दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इजीली किसी भी ख्याल को पेंटिंग में या इमेज में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सारा काम हो रहा है, कोई लोकल बंदा है, मैं या आप कोई भी नहीं काम कर रहा, हम सब अपना जहन है तसव्वुर कर रहे हैं, इमेजिनेशन से भी आगे की गेम है ये वाली। तो खुदा रहा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं आपको इसको इस वक्त वीडियो स्क्रीन की तरफ लेकर चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। गूगल क्रोम से हम लोग midjourney.com पे जाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे ज्वाइंट बीटा भी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कि न्यू लिए हैं। हम लोग साइन इन करेंगे विद डिस्कॉर्ड। जैसे ही हमारा साइन इन होगा हमारे पास सबसे पहले एक पेज पे ऑथराइजेशन एक्सेस आ जाएगी, तो हम लोग इसको सिंपली ऑथराइज कर देंगे। ये जी मेरा पेज है जहाँ पे जो मैंने अपना एक बनाया हुआ है, जहाँ पर मेरी गैलरीज हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे गो टू डिस्कॉर्ड, लास्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे गो टू डिस्कॉर्ड पर। जैसे ही वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ओपन हो जाएगा पेज। यहाँ पे हम जाएंगे न्यूबी टू पे जाएंगे, ये चैट रूम टाइप है, बिल्कुल बड़ा सिंपल सा। सबसे पहले ये मैंने पहले लिखा हुआ था तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हम लोग लिखेंगे स्लैश इमेजिन, उसके आगे हम सोचते हैं हम लोग लिख लेते हैं डार्क क्लाउड इन अ डेजर्ट एंड अ कॉबॉय राइडिंग ऑन अ हॉर्स। तो हम देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है, स्वॉट भी हम डाल देते हैं, लेट्स सी कि कैसे इमेज ये क्रिएट करता है बॉट। तो ये देखिए 0% है, अभी आहिस्ता आहिस्ता 100% में जब तक जाएगा तब तक ही होगा, 15% हो गया। चलें
ये चार इमेजेस क्रिएट करेगा, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल जो सी है इंटेलिजेंस का ही काम है। बॉट्स काम करते हैं 100%। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी है वो आने वाले वक्तों में बिल्कुल छा रही है मार्केट में, तो इस चीज़ को अडॉप्ट करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम जब तक ये इमेज क्रिएट करता हूँ, हम एक और इमेज बनाने की कोशिश करते हैं स्लैश इमेजिन, सोचते हैं क्या हम डालते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग लिख लेते हैं ग्रीन ग्रास या ग्रीन लैंड विद अ ब्यूटीफुल किड्स। हाँ, किड्स ठीक रहेगा। तो प्लेइंग नियर सी विद डॉग, जब डॉग रहने देते हैं लाइन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलें जी, हमने एक और इमेज पुट ऑन कर दी, वेट करते हैं जी तब तक हम देखते हैं ऊपर हमारी इमेज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमेजेस बन रही होती हैं तो हमारी इमेज कहीं खो गई होगी। ये हमारी इससे ऊपर ये इमेज हमारी बन गई है, ये देखिए चार इमेजेस हमें उन्होंने दी हैं, तो हम लोग इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यू हम लोग करते हैं U4। तो देखते हैं जी, U4 के बाद हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, नीचे ही आएगा जो सी इमेज हम करेंगे वो उसको और एक्सपेंड करके दे देगा और ख़ूबसूरत करके दे देगा। तो ये जी अब क्या हो रहा है इस दुनिया में डिजिटल एरा में, कि हम लोग जो सोचते हैं वो बन जाता है। लाइक मैंने ये भी थोड़ा देर पहले ग्रीन लैंड विद ब्यूटीफुल किड्स प्लेइंग नियर सी विद लाइन, तो देखिए 76% हुई है। तो ये ऐसा तो क्रिएशन हो रही है इमेज की, ये बॉट्स कर रहे हैं, उन तक जो जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी हैं वो पहले उसको देखते हैं, एग्जामाइन करते हैं, एग्जामाइन करने के बाद जो नॉलेज होता है उनके इमेजेस क्रिएट करके वो उसको मर्ज कर देते हैं। तो ये बड़ा इजी है। तो अब ये क्या कोई भी आर्टवर्क हो बड़ा आसान है। लाइक ये मैं जो सा लैंड वाला मैं इसमें देख रहा हूँ, इन चार जो फोटोज़ आई हैं जो इमेजेस बनी हैं इनमें से हम लोग कौन से सेलेक्ट करते हैं। लाइक अगर मैं U3 कहता हूँ, थर्ड वाली इमेज मुझे पसंद आई है, तो मैं उसको ओके कर देता हूँ, फिर अपनी बारी का वेट करता हूँ। मैं थोड़ा नीचे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पीड है। ये जी मेरी जो इमेज है उसकी क्रिएशन हो गई है, इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने इसको अपस्केल मैक्स करना है, वेब पे जाना है, येप करना है, और उसके बाद ये हमारी पोर्टल पे चला जाएगा। तब तक हम देखते हैं हमारी दूसरी इमेज बन रही होगी, ये हमारी बन रही है अभी 0%, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग इसको देखते हैं, बहरहाल इन शॉर्ट ये जो इंटेलिजेंस है ना, ये बहुत लोगों की जॉब खाने वाली है। तो मतलब मेरा दिमाग चकरा गया कि ये क्या चीज़ क्या है, ये माइंड ब्लोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज क्रिएशन का ये काम है। तो जब मैंने ये देखा, इसमें मैंने वर्किंग की, तो बहुत मज़ा आया मुझे। मैं इंशाल्लाह इस पर शो करूँगा कैसे इसमें अकाउंट क्रिएशन करते हैं, कैसे इसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। ले जी, अब हम जाते हैं अपने पेज पे, तो इसको हम करेंगे, ये अभी हम वेट कर रहे हैं 61%, इसको और परफेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये हाई रेजोल्यूशन बन रही है प्रोडक्ट, जिसमें यानी कि आप कह सकते हैं कि आप ये पेंटिंग अपने घर में भी सजा सकते हैं फ्रेम करवा के। तो ये बहुत बहुत अच्छे लेवल की चीज़ है। कोशिश कीजिए नई से नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस वक्त रेवोल्यूशनराइज हुआ है हमारा डिजिटल एरा ये वाला, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लोग सोच भी नहीं सकते थे इन चीज़ों का, जिन चीज़ों के बारे में मैं अब यानी कि देखता हूँ, बड़ा इसका एडवांटेज है। तो चलें, ये अब कंप्लीट होने वाला है, 98% हो गया होगा, तो ये अब कंप्लीट हो गया। और इसको हम लेके चलते हैं अपने पेज पे, उससे ये फ़ायदा हो जाएगा। अब स्केल मैक्स तक करेंगे, वेब पे जाएंगे, या
कम्युनिटी फीड में जाएंगे तो वहाँ पर पहले रजिस्टर्ड हैं तो हम लोग अपने होम पेज पे चले जाएंगे। ये मैंने कुछ चीज़ें पहले ही बनाई हुई हैं, अपना कुछ वेबिनार ट्राई किया हुआ मैंने, तो यहाँ पे हम आगे अपने इमेज पे, यहाँ पे हम इसको करेंगे सेव विद प्रॉम्प्ट, नहीं तो हम इस पर करेंगे सेव इमेज पे क्लिक कर देंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सेव इमेज करेंगे तो हमारे पास ये इमेज क्रिएशन आ गई हमारी, तो यहाँ से हम PNG में हमने किया तो इसको ओपन किया, ओपन किया तो ये देखिए आप इमेज का जो रेजोल्यूशन है, जो हाई डेफिनेशन इसकी क्वालिटी है, आप वो देखिएगा, ए क्लास प्लस है। तो अब आप ख़ुद एक पेंटर हैं, अब आप अपनी इमेज को अपने ज़ेन और तख़य्युलात में ले जा के भी बना सकते हैं, बस आपने अपने आइडियाज़ को देना है यहाँ पर। तो जी दुआ में याद रखिएगा जी। तो आपने देखा कि कैसे हमने वीडियो बनाई, वीडियो में हम लोगों ने कैसे इमेज को क्रिएट किया, कैसे हमने इन चीज़ों को पाइलअप किया। आपने देखा कि ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से काम हो रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को कैरी ऑन कीजिएगा, अभी से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, आने वाले वक्त में ये जो टेक्नोलॉजी बहुत नेक्स्ट लेवल की जाने वाली है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपने किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है जिसका आपको इल्म नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं आपको बना के वीडियोस के ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन दूंगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।